अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में सबसे अहम और बड़ी अपडेट ये है कि शहीदा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आप लोग जो मुतालबात कर रहे थे वो सारे मुतालबात को ज़ेरे गौर रखा हुआ है। ये नोटिफिकेशन लगाया गया है, अच्छी अपडेट है आप लोगों के लिए कि आप लोगों के मुतालबात माने गए हैं। और इनका कहना है कि जब तक स्टूडेंटों की कंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं कर दी जाती रिज़ल्ट के हवाले से, तब तक रिज़ल्ट शो नहीं किया जाएगा। और इस हवाले से भी कहना है कि कुछ इसके अलावा बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट ये है आप लोगों के लिए कि जितने भी क्यूरीज़ आपने की थी, ईमेल की थी, उन तमाम की इंफॉर्मेशन उनके पास मौजूद है। और उनका कहना है कि ये तमाम हमें मालूम है। अब नोटिस में जिस चीज़ पर फोकस किया जा रहा है वो ये है कि जो रिज़ल्ट आया है वो फाइनल करने से पहले आप लोगों के तमाम यहाँ पे कन्फ्यूजन्स को दूर किया जाए। अब तक ये कितना इम्प्लीमेंटेशन इस पर हो चुकी है आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। दूसरे नंबर पर ग्रेस मार्क्स की कुछ डिटेल आपको देनी थी कि अभी तक कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला। जब वो आएगा तो इंशाल्लाह आप लोगों से ज़रूर शेयर कर देंगे। ग्रेस मार्क्स के रिलेटेड ऑफिशियली नोटिफिकेशन आने वाला है और वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। दूसरी बात ये है कि ग्रेस मार्क्स आप लोगों को कितने दिए जाएंगे। जो न्यूज़ देखने को मिल रही है जिसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 8 से लेके 15 तक की खबर आ रही है कि इतने ग्रेस मार्क्स आप लोगों को दे दिए जाएंगे, तो मेरे नॉलेज के मुताबिक आप लोगों को 8 या फिर 9 नंबर दे दिए जाएंगे ग्रेस मार्क्स के हवाले से। गलत भी हो सकता हूं लेकिन एक्सपेक्ट इतने ही नंबर किए जा सकते हैं। और ग्रेस मार्क्स के तमाम स्टूडेंटों को इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, इक्वल ही मिलेंगे। ग्रेस मार्क्स दे दिए जाएंगे या फिर नहीं दिए जाएंगे तो 99% कन्फर्म है कि आप लोगों को ग्रेस मार्क्स दे दिए जाएंगे। बस ऑफिशियली नोटिफिकेशन आने की देर है, वो जितने जैसे भी आएगा तो आप लोगों को शेयर कर दूँगा। इसके अलावा नेक्स्ट और लास्ट अपडेट ये है कि जो एमडी कैड कंडक्ट हुआ है तो इस हवाले से ये एक लेटर सबमिट करवाया गया है और ये प्राइवेट तौर पर सबमिट करवाया गया है, ऑफिशियली तौर पर सबमिट नहीं करवाया गया। इसमें तमाम अपडेट दी गई हैं कि आउट ऑफ सिलेबस कौन कौन सी चीज़ें आई हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, और साथ में ये भी बताया गया है कि रॉन्ग कीज़ कौन सी हैं केमिस्ट्री के हवाले से, फिज़िक्स के हवाले से, और कौन सा आउट ऑफ सिलेबस है पोर्शन है। और ये लेटर प्राइवेट तौर पर सबमिट करवाया गया है। और इसके अलावा बाकी जो आप लोगों के मुतालबात हैं, स्टूडेंटों के क्वेश्चंस ज़्यादा आए हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस ज़्यादा थे, तो वो तमाम इस लेटर में कवर किए जा रहे हैं। तो ये तीन अपडेट थी, इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना मैं समझता हूँ ज़रूरी थी। अपडेट के लिए चैनल को मज़ीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।